हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट रोजगार में। मैं आदित्य आप लोगों के बीच हाजिर हूँ आज के टीचर वैकेंसी अपडेट लेकर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड एक कॉलेज है, नेताजी सुभाष कॉलेज। तो उसमें अतिथि व्याख्याता की जो वैकेंसी आई है गेस्ट लेक्चरर की, उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे ही आप पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे रिक्रूटमेंट दिख रहा है और यहाँ पे कॉलेज रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पे आएंगे, आप लोगों को देख सकते हैं 27 नवंबर का एक नोटिस आप लोगों को देखने मिल जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अतिथि व्याख्याता के जो पोस्ट हैं, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट अंडर यूनिवर्सिटी स्टेटस 280। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आप लोगों को देखने मिल जाएगी। और यहाँ पर लगभग 5 पोस्ट पे वैकेंसी आई है, 3 आपके कंप्यूटर साइंस से है और 2 ही एजुकेशन फील्ड से है। ये देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस की 3 वैकेंसीज हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं। और उसी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर आप लोगों के एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन है उसके अंतर्गत वैकेंसी आई है, तो ये देख सकते हैं 2 वैकेंसी है इसमें। और क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस के लिए 3 पोस्ट में यूजीसी का आप लोगों का रूल रेगुलेशन है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए पहला 55% के साथ। और यहाँ पे देखेंगे नेट स्लेट या सेट या पीएचडी मांगा जाता है। और यहाँ पे देखेंगे क्वालिफिकेशन एज पर यूजीसी रिगार्डिंग 2018 के जो रूल्स हैं नॉर्म्स हैं वो फॉलो होने वाले हैं। उसी तरीके से अगर कोई पर्सन बी किया है या फिर बीटेक किया है या एमई या एमटेक किया है तो रेवेलेंट सब्जेक्ट्स विद फर्स्ट क्लास ऑफ इक्विवेलेंट आइदर या बी और बीटेक और एमई या एमटेक अगर आपने कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं या बी बीटेक या एमसीए भी अगर उन्होंने किया है फर्स्ट क्लास से, तो इक्विवेलेंट आइदर बी या बीटेक और एमसीए किया है या फिर एमसीए विद फर्स्ट क्लास विद 2 ईयर रेवेलेंट एक्सपीरियंस, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन की, तो यहाँ पे 2 पोस्ट निकाले गए हैं और यहाँ पर भी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मांगा गया है एमपीईएड में और डिग्री इट्स इक्विवेलेंट विद 55%। तो 55% के साथ आप लोगों का यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है एमपीईएड में मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन में। और यहाँ पे देख सकते हैं या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ 7-पॉइंट स्केल वट एवर वेयर यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड। तो जो भी ग्रेडिंग सिस्टम है वेयर एवर जो यूनिवर्सिटी के वो फॉलो होंगे। और आप लोगों को यहाँ पे सेकेंड क्वालिफिकेशन जो है एसेंशियल नेट अगर आपने किया है सेलेक्ट किया है या सेट किए हैं या पीएचडी तो आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपने नहीं किया है आपके पास नेट सेट गेट नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जिन्होंने ये सब पास कर रखा है एग्ज़ाम। और यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन करने की जो लास्ट डेट है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है सेंड योर एप्लीकेशन अलोंग विद रिज्यूम। तो आपको एप्लीकेशन करना कैसे है दोस्तों ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग को एक रेज्यूमे तैयार करना है या बायोडेटा और जितने भी आप लोगों के मार्कशीट हैं वो उनके सारे जितने भी आप लोगों के मार्कशीट है उसकी 2 सेट कॉपी आपको 15 दिन के अंदर यहाँ पे सबमिट करनी है इस कॉलेज में पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका पब्लिकेशन हुआ है इस एडवर्टाइजमेंट का 27 को, तो लगभग यहाँ पे 15 दिन अगर हम जोड़ते हैं तो आप लोग 12 तारीख तक 12 जनवरी तक आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 12 से 13 जनवरी तक दोस्तों। और यहाँ पे देखेंगे आप लोगों को एप्लीकेशन को सेंड कहाँ करना है डाक के माध्यम से, वो यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंसिपल यहाँ पर देखेंगे नेताजी सुभाष कॉलेज बेलभाटा अभनपुर रायपुर डिस्ट्रिक्ट है और ये पिन कोड आप लोग नोट कर लेंगे।
तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए नेक्स्ट रोजगार के साथ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए नेक्स्ट रोजगार के साथ।